आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिले में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिनमें मुंह के कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुंह का कैंसर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम होता था, पर आज के परिवेश में महिलाओं में भी काफी कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं। भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में लोगों की जिंदगी बड़ी कठिन होती चली जा रही है। वो अपनी जिंदगी अच्छी जीने के चक्कर में ऐसी चीज़ें वो इनडायरेक्ट वे में खाते चले जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि भविष्य में उन्हें कितना और किस तरह का कैंसर उन्हें होगा। आजकल डिब्बा बंद जो खाना आ रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी तरह के जो कैंसर जो है फैल रहे हैं। उसी से सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर भूपेंद्र कैंसर रोग विशेषज्ञ हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। अच्छा भूपेंद्र जी, बताएं किस तरह का आजकल कैंसर केस ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी लंबे समय से इस तरह के कैंसर के मरीजों के बीच में हैं आप जो। देखिए, जो हमारा रीज़न है, जो आगरा का रीज़न है, उसमें तम्बाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, और उसको कई तरीके से लेते हैं। कोई मंजन के रूप में लेता है, कोई कच्ची तम्बाकू को कच्चे फॉर्म में लेता है, कोई खैनी के रूप में लेता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मोड है तम्बाकू के, वो यूज़ करते हैं। भूपेंद्र जी, पहले ऐसा देखा जाता था कि जो मुंह का जो कैंसर है सिर्फ पुरुषों में पाया जाता था, अब महिलाओं में भी सर इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको सबसे पहले जिक्र किया मंजन वाला, महिलाओं में ये देखा गया है कि ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है जो कैंसर के पहले की होती है। वो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो महिलाओं के होते हैं। तो कुल मिलाकर कैंसर अगर भूपेंद्र जी अगर मतलब ज़्यादा खतरनाक ना हो और मैं शुरुआती लक्षण में पता लग जाए, तो कुछ कहते हैं चिकित्सक कहते हैं कि मुंह का जो खुलना थोड़ा कम हो जाता है, तो क्या ये वो शुरुआती लक्षण है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैंसर के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कैंसर को जितनी जल्दी डायग्नोस किया जाएगा वो उतना ज़्यादा उस पर ट्रीटमेंट का असर होगा, और जितना लेट डायग्नोस होगा उतना ही उसका ट्रीटमेंट का असर उस पर कम होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको लिटरली नहीं पता है कि उनके मुंह का कैंसर हो चुका है। भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार द्वारा काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इस तरह की सुविधा मतलब आपके ही द्वारा शुरू की गई, यहाँ पर कैंसर के काफ़ी मरीज यहाँ पर देखने को आते हैं। पर सर भूपेंद्र जी, वो तो बात ठीक है, पर कैंसर ना हो उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि एक आदमी जो गरीब आदमी, उसकी तो स्थिति पूरी ख़राब हो जाती है, आर्थिक रूप से वो बर्बाद हो जाता है, और मेंटली कितना प्रेशर रहता है उसके ऊपर, वो क्योंकि कीमो लगना, बार बार चक्कर काटना डॉक्टर के पास, उससे बचने के लिए वो क्या करें? बिल्कुल, जो कैंसर का इलाज है वो अपने आप में बहुत महंगा इलाज है देखा जाएगा तो, और कैंसर का जो इलाज है वो मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है, सिंगल स्पेशलिटी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सर्जरी, रेडिएशन और जो कीमोथेरेपी सारी चीज़ इन्वॉल्व होती है, और एक छत के नीचे मिलना अभी भी आगरा में मुश्किल है। इवन मेडिकल कॉलेज में भी एक छत के नीचे उपलब्ध नहीं है। तो बस आखिरी बार एक सवाल पूछूंगा कि जब जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, तो किस किस तरह की सुविधा जो है यहाँ के जो कैंसर मरीजों को उपलब्ध है यहाँ पर? देखिए, जो पेशेंट आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हो जाती है, और जो पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से पॉसिबल है, जैसे कि कुछ ब्लड कैंसर्स भी होते हैं, कुछ सॉलिड ट्यूमर्स भी होते हैं जिनका के इनिशियल स्टेज में हम कीमोथेरेपी देते हैं, वो डॉक्टर भूपेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो कैंसर जितना स्पीड से बढ़ रहा है, वो चाहे पुरुष में बढ़ रहा है या महिलाओं में बढ़ रहा है, उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर चिकित्सकों द्वारा और आम संस्थानों द्वारा भी कैंसर जागरूक के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, जिससे कि कैंसर के लोगों को ना हो उसके लिए बचाव के रास्ते बताए जाते हैं। और साथ में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर भूपेंद्र के देखरेख में यहाँ पर कैंसर मरीजों का लगातार इलाज किया जा रहा है, और उनको सही गाइडलाइंस और सही संसाधनों के बीच कैंसर का इलाज संभव हो पा रहा है। कैमरामैन अंजीत के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।